स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शोम फन में। आज हम इक्वेडोर इस देश के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं इक्वेडोर के बारे में। इक्वेडोर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यह साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट भाग में आता है। इस देश की सीमाएं पेरू और कोलंबिया से लगती है। इस देश की राजधानी क्विटो है। इक्वेडोर को 13 मई 1830 को ग्रैंड कोलंबिया से आज़ादी मिली। इक्वेडोर देश बनने से पहले ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। ग्रैंड कोलंबिया में पनामा, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू, ब्राजील, गुयाना के कुछ हिस्से थे। इक्वेडोर को ऑफिशियली रिपब्लिका डेल इक्वेडोर कहते हैं। इसका मतलब द रिपब्लिक ऑफ द इक्वेटर। आज हम इक्वेडोर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। इक्वेडोर के नाम का मतलब इक्वेटर है, क्योंकि इक्वेटर इस देश से होकर गुजरता है। इक्वेडोर दुनिया का इकलौता देश है जिसका नाम देश की भौगोलिक संरचना पर रखा गया है। इक्वेडोर की आबादी कुल लगभग 2 करोड़ है और इनका लिटरेसी रेट 93% है। यहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 साल है। इस देश में US डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। सन 2000 में आर्थिक मंदी के कारण इन्होंने डॉलर को अपना राष्ट्रीय चलन बनाया। यह प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। यहाँ स्पेनिश बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए स्पेनिश इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश के साथ साथ 13 स्थानीय भाषाएं भी हैं। इनमें से क्विचुआ और शुआर ये भाषा ज़्यादा बोली जाती है। इक्वेडोर को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, कोस्टल लोलैंड्स, माउंटेन हाईलैंड्स, ईस्टर्न जंगल लोलैंड्स और द गैलापागोस आइलैंड्स। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। इक्वेडोर साउथ अमेरिका के सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है पर्यटन के लिए। चिली और इक्वेडोर ऐसे दो ही साउथ अमेरिका देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। यह दुनिया में केले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यह ऑयल भी बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के 40% लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है। यूनेस्को ने दुनिया में सबसे पहली और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चुनाव इक्वेडोर में किया था 1978 में। क्विटो और द गैलापागोस आइलैंड्स थे पहले दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इक्वेडोर दुनिया का 9वां सबसे बायोडाइवर्स देश है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक है। यहाँ 1600 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं और 25,000 पेड़ों की स्पीसीज है। यह देश प्रकृति को लेकर बहुत सजग है। यह दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसने अपने संविधान में प्रकृति को मौलिक अधिकार दिए हैं और यह भी बताया है कि प्रकृति किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इस देश की हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में 20वें क्रमांक पर आती है। यहाँ का मेडिकल केयर बहुत उच्चतम है। वोटिंग अनिवार्य है 18 से 65 साल के लोगों के लिए। यहाँ बेसिक शिक्षा भी प्राप्त करना बंधनकारक है। इक्वेडोर का एक विशिष्ट संगीत है जिसे पासिलो कहते हैं। इक्वेडोर ने 1851 में ही स्लेवरी बंद कर दी थी और स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था। आप सियोकोर दाद मिताड डेल मुंडो यहाँ जाएंगे तो आप एक ही समय पर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में होंगे। इस नाम का मतलब भी यह है मिडल ऑफ द वर्ल्ड सिटी। वह इसलिए क्योंकि यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इक्वेडोर में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्थित है। यदि आप इक्वेडोर में हैं तो आप स्पेस से सबसे अधिक नज़दीक हैं। माउंट चिम्बोराजो सूर्य से सबसे नज़दीक पॉइंट है धरती से। आपको लगता होगा कि माउंट एवरेस्ट होगा क्योंकि वह दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, परंतु ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि धरती पूर्ण तरह से गोलाकार नहीं है। धरती इक्वेटोर से थोड़ा बल्ज है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण, इसलिए माउंट चिम्बोराजो सूर्य के सबसे पास है। आपको एक और फैक्ट बता दूं कि माउंट चिम्बोराजो माउंट एवरेस्ट से 1.5 मील ऊंचा है, परंतु हम पहाड़ की ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं, इसलिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। दुनिया भर में प्रचलित पनामा हैट ओरिजिनली इक्वेडोर से है। इस देश में नागरिकों से ज़्यादा मोबाइल फोन्स है। इक्वेडोर का रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि क्विटो में पानी 100 डिग्री पर नहीं 90 डिग्री पर बॉयल होता है। इसका कारण वीडियो के अंत में है। यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन गैलापागोस आइलैंड है। यह 900 किलोमीटर दूर है इक्वेडोर के तट से। यहाँ 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। आप इक्वेडोर लगभग 8 घंटों में घूम सकते हो। 660 किलोमीटर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव। इक्वेडोर और पेरू के बीच अमेजोन के जंगलों को लेकर युद्ध भी हुआ था। यह अमेजोन इक्वेडोर में आता है। यह युद्ध लगभग 1 सेंचुरी चला। यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चलने वाला सबसे लंबा सीमा वाद है। इनके बीच का युद्ध मई 1989 में समाप्त हुआ। इक्वेडोर की पहली महिला प्रेसिडेंट रोसालिया आर्टियागा सिर्फ 2 दिनों के लिए प्रेसिडेंट बनी रही।
चार्ल्स डार्विन ने अपनी कोरल एटोल्स की थियोरी का निर्माण इक्वेडोर के गैलापागोस आइलैंड पर किया। किसी समय इक्वेडोर इनका साम्राज्य का भाग हुआ करता था, परंतु 1533 के बाद यह स्पेन के अधीन आ गया। अब आपको पानी के उस व्यवहार के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पानी 100 के बजाय 90 डिग्री पर बॉइल होता है, इसका कारण यहाँ का एल्टीट्यूड है। आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।